गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी अगली वीडियो, जिसमें हम देखेंगे एनिमल किंगडम का पार्ट वन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताओ जो हेमीकॉर्डेट्स शेयर करते हैं कॉर्डेट के साथ। तो वो होता है हमारा फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स, या उनमें फेरिंग्स होता है जिसमें साथ ही में क्या होते हैं, गिल स्लिट्स, या फिर इसी को दूसरे नाम से बोला जाता है फिल्टर फीडिंग ऑर्गन, ORGAN। ये हेल्प करता है फूड कैप्चरिंग में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है, वो पूछा गया है इनमें से वो करेक्ट कॉम्बिनेशन बताओ जो क्या हो, एक्वेटिक मैमल, मतलब पानी में रहने वाले क्या हो, स्तनी हो। तो जब आप ऑप्शन देखेंगे आपको पता लगेगा जो हमारा सील, डॉल्फिन और वेल, ये तीनों क्या होते हैं हमारे, एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले स्तनी। ठीक है, बाकी ये जो हमारा ट्राइगोन होता है ये क्या होती है हमारी, फिश, ये हमारी मछली होती है। और जो हमारी शार्क होती है ये क्या होती है हमारी, मछली होती है। और जो शार्क होती है ये होती है हमारी कार्टिलेज वाली मछली, जिसमें क्या होती है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हॉर्स, मतलब जो हमारा घोड़ा है, घोड़ा किस ऑर्डर में आता है। तो घोड़े का ऑर्डर होता है हमारा पेरिसोडैक्टाइला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, ये बताना है पोरीफेरा के केस में, पोरीफेरा में स्पॉन्जो सील की जो लाइनिंग होती है वो फ्लैजिलेटेड सेल्स की होती है, उनको हम किस नाम से जानते हैं। तो कोनोसाइट्स होती है स्पॉन्जो सील की, जो क्या बनाती है, लाइनिंग बनाती है। ठीक है, और वो कैसी सेल्स होती हैं, उनमें फ्लैजिला पाया जाता है, मतलब फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं वो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है कि जितने भी हमारे साइक्लोस्टोम्स होते हैं उनमें जबड़ा नहीं होता है, और ना ही जो फिन्स हैं वो क्या होते हैं, पेयर्ड मतलब उनमें दो मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, ये है हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक बताओ जो मैमल और बर्ड में ना पाई जाती हो। ठीक है, या ऐसा वो कैरेक्टरिस्टिक बताओ जो नहीं मौजूद होती है बर्ड और मैमल में, ऐसी वो कैरेक्टरिस्टिक बताओ जो इन दोनों में मौजूद ना होती हो। तो देखो वो क्या है हमारा, विविपैरिटी, मतलब विविपैरिटी का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति बच्चा देता है। ठीक है, तो देखो एनिमल्स में जो हो, मैमल्स में जो होता है, चलो ठीक है, ये तो हमारा मतलब बेबी को बर्थ देते हैं, मतलब इनका बच्चा होता है। लेकिन जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स जनरली क्या देती हैं, अंडा देती हैं, तो मतलब ये क्या देती हैं, एग देती है। ठीक है, तो ये इस केस में हम इनको विविपैरिटी नहीं कह सकते, विविपैरिटी का मतलब वो जो बच्चा देते हों। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक बताना है जो क्या है, सही है। ठीक है, अब देखते हैं वो क्या चीज़ है, इनमें से हमको बतानी है जो चीज़ क्या हो, करेक्ट हो। तो देखो जो हमारे इस पे पहला क्वेश्चन है कि जो हमारे कॉर्डेटा होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें मुंह होता है और अपर और लोअर जॉ होता है। लेकिन हर कॉर्डेट के लिए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं इसमें दो होते हैं, क्या होते हैं, एक तो होते हैं जॉलेस जिनमें जबड़ा नहीं होता है, और एक में जबड़ा होता है। जिसमें जबड़ा होता है वो होते हैं हमारे क्या, मतलब जिसमें जबड़ा होता है वो होते हैं हमारे नाथोस्टोमेटा, और जिसमें जबड़ा नहीं होता है वो कौन होते हैं हमारे, अग्नाथा। तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। अगला ऑप्शन है कि जो रेप्टाइल्स होते हैं इनमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो भैया ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि रेप्टाइल का एक एग्जांपल क्या है, क्रोकोडाइल, उसमें क्या होता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट, तो ये भी गलत हो गया। अगले क्वेश्चन में है कि जो विविपैरस हैं वो क्या होते हैं, मैमल्स, मतलब जितने भी मैमल्स हैं वो सारे क्या हैं, बच्चा देने वाले हैं। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि एक मैमल क्या है हमारा, प्लेटीपस होता है, जो क्या देता है, बच्चा देता है, मतलब अंडा देता है, एग लेइंग एनिमल है या मैमल है। तो ये बात भी क्या हो गई हमारी, गलत। ठीक है, क्योंकि लिखा गया है जो मैमल्स हैं वो सारे ही क्या देंगे, बच्चा देंगे, लेकिन प्लेटीपस एक ऐसा मैमल है जो कि अंडा देता है। ठीक है, तो देखो कॉन्ड्रीथाइस इसमें बोला है, इनमें क्या होता है, कार्टिलेजिनस
एंडोस्केलेटन, मतलब इनका जो एंडोस्केलेटन है, अंत है, कंकाल है, वो किसका बना होता है? कार्टिलेज का। तो ये क्या है? बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमसे पूछा गया है इनमें से हमारा जो फाइलम आर्थ्रोपोडा को नहीं दर्शाता है वो फीचर बताना है। तो देखो, अब जॉइंट अपेंडिजेस होते हैं और काइटिन का एक्सोस्केलेटन भी होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी देखने को मिलता है, लेकिन पैरापोडिया कभी भी आर्थ्रोपोडा में नहीं मिलता है देखने को। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ये पैरापोडिया है ये किस में होता है? एनालिड्स में प्रेजेंट होता है। किस में? एनालिडा में, ANNELIDA। और ये काम क्या करता है? ये काम करता है लोकोमोशन और रेस्पायरेशन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, बॉडी में है क्या मेशवर्क ऑफ सेल्स इंटरनल कैविटी लाइंड विद फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स। तो जैसे ही आपको याद आ जाएगा कभी भी फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स, आपका आंसर क्या होना चाहिए? पोरीफेरा। क्योंकि आप समझ जाएंगे जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं वो किस में प्रेजेंट होती हैं? हमारे पोरीफेरा में। और उनका नाम क्या होता है? क्वेनोसाइट, CHOANOCYTES, क्वेनोसाइट्स होती हैं। ठीक है, जो कि स्पॉन्जोसील्स की लाइनिंग बनाती हैं। ठीक है, वही होता है ना, जो पोरीफेरा होता है उनकी जो सेंट्रल कैविटी होती है उसकी लाइनिंग किससे होती है? क्वेनोसाइट सेल से। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेटाजेनेसिस रेफर टू, मतलब मेटाजेनेसिस जो है वो हम किसे कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं पहले, जो हमारा ये मेटाजेनेसिस है ये हमको किस में देखने को मिलता है? सीलेंटेट्स में, CoELENTRATES, सीलेंटेट्स में देखने को मिलता है। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? ओबी लिया। तो अब ये होता क्या है, अब इसे हम देखेंगे एक डायग्राम की मदद से। देखिए डायग्राम है हमारा ये वाला, जिसमें हमारा ये जो दे रखा है ये किसका डायग्राम है? पॉलिप का। ठीक है, और जो ये दूसरी तरफ डायग्राम दे रखा है इसको हम बोलते हैं मेडूसा का। ठीक है, ये दोनों किस में मिलते हैं हमको? ओबिलिया में मिलते हैं, OBELIA। ओबिलिया के क्या हैं? ये एग्जांपल है। इसमें दो फॉर्म मिलती है, जिसमें एक फॉर्म का नाम है पॉलिप और दूसरे फॉर्म का नाम क्या होता है? मेडूसा। मान लो एक पॉलिप है, मान लो ये वाला प्राणी उसमें है, वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहता है, मतलब पॉलिप है और वो क्या बनना चाहता है? मेडूसा। तो जब भी पॉलिप में सेक्सुअल या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो क्या बनाएगा? मेडूसा फॉर्म बनाएगा। ठीक है, पॉलिप में जब भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो क्या बनाएगा? मेडूसा। और मान लो मेडूसा को क्या बनना है? पॉलिप। तो जब भी मेडूसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो हमेशा क्या बनाएगा? पॉलिप फॉर्म बनाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है मेडूसा रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू फॉर्म पॉलिप। ठीक है, और अगर हम पॉलिप की बात करेंगे तो ऐसे बोलेंगे पॉलिप रिप्रोड्यूस असेक्सुअली टू फॉर्म मेडूसा। ठीक है, और ये जनरेशन, मतलब पॉलिप का मेडूसा बनना और मेडूसा का पॉलिप बनना असेक्सुअल और सेक्सुअल क्रिया के द्वारा, इसे ही क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो देखिए जब भी हम मेटाजेनेसिस की बात करेंगे वो क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब एक जनरेशन दूसरे जनरेशन्स के बाद आती है और वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। ठीक है, मतलब एक फॉर्म ये है, दूसरा फॉर्म ये है, एक जनरेशन ये है, दूसरी जनरेशन ये है, ये असेक्सुअली करेगा तो ये बनाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो पहला फॉर्म बनाएगा। ठीक है, तो ये जनरेशन में जो चेंजेस हैं इसे ही हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, या एक बार ये फॉर्म बनना, अगली बार इसका इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना या अल्टर कर जाना, इसे ही हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और ये हमको किस में देखा जाता है? सीलेंट्रेट्स, या मैं बोलूँ ओबिलिया में। तो ये थे हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस, बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।